ओप्पो A27 Pro Plus स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुआ है और लॉन्च होते ही हमने स्मार्टफोन को बाय कर लिया है क्योंकि हमें बहुत सारे टेस्ट करने हैं स्मार्टफोन के साथ। इसमें आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन भी मिलती है और स्मार्टफोन को ओप्पो ने बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया है। फ्रंट में आपको गोला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है जो काफी अच्छी है। बैक में आपको लेदर फिनिश मिलता है और साइड में मिलती है आपको प्लास्टिक फ्रेम। भाई सबसे बड़ा चूतियापा किया है साइड में प्लास्टिक फ्रेम देकर। यहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा प्रमोट किया बट यहाँ पे साइड में दी आपको प्लास्टिक फ्रेम। बट हमारा काम है टेस्टिंग करना और हम पूरी टेस्टिंग करने वाले हैं ओप्पो A27 Pro Plus की। सबसे पहले हम स्मार्टफोन का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि स्मार्टफोन की ड्यूरेबिलिटी कैसी है। तो सबसे पहला टेस्ट है स्मार्टफोन का वाटर टेस्ट। ये स्मार्टफोन IP69 वाटर रेजिस्टेंट के साथ आता है और स्मार्टफोन है वो आप 1.5 मीटर पानी के अंदर रख सकते हैं 30 मिनट के लिए, बट स्मार्टफोन है वाटर डैमेज नहीं होगा। हमने स्मार्टफोन को कुछ टाइम के लिए पानी में नहलाया खूब बट वाटर डैमेज नहीं हुआ। उसके बाद हमने स्मार्टफोन को अंडर वाटर 5 मिनट रखा। ओप्पो A27 Pro Plus को हमने अंडर वाटर 5 मिनट के लिए रखा और 5 मिनट होने के बाद जब हमने स्मार्टफोन को बाहर निकाला और स्मार्टफोन की सिम ट्रे बाहर निकाली तो वहां पे पानी की बूंदे नहीं थी। इसका मतलब है कि स्मार्टफोन है वो IP69 के साथ आता है और कहीं भी स्मार्टफोन में स्पीकर हो या कैमरा लेंस हो या फ्रंट कैमरा हो वहां पे पानी की बूंदे नहीं गई थी। स्मार्टफोन है वो IP69 के साथ आता है और रियली में ये जो प्रोटेक्शन है वो काम भी करती है। तो इस टेस्ट में ओप्पो A27 Pro Plus है वो पास हो गया। इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो गोला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन के साथ मिलती है। काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है प्रोटेक्शन की मामले में ओप्पो की क्योंकि इसमें आपको विक्टस 2 ग्लास मिलता है। तो चेक करते हैं स्मार्टफोन की ड्यूरेबिलिटी कैसी है, कैसा एक ग्लास है और क्या वास्तव में जो ओप्पो ने बताया है वो रियल में है या नहीं। तो टेस्टिंग करने वाले हैं ओप्पो A27 Pro Plus की। तो सबसे पहले स्मार्टफोन का हम करने वाले हैं स्क्रैच टेस्ट और चेक करेंगे कि स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो कैसी है। यहाँ पे आपको एक टेम्पर्ड मिलता है तो उसको कर देते हैं हम रिमूव। तो भैया ये किया हमने रिमूव और यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन से लेवल पे आपको सबसे ज्यादा स्क्रैच है वो देखने को मिलते हैं। अभी पता लग जाएगा कि डिस्प्ले कैसी है, स्क्रैच टेस्ट में कैसा परफॉर्म करती है। तो स्टार्ट करते हैं लेवल फर्स्ट। तो ज्यादा डीपली स्क्रैच है वो मुझे लगे यहाँ पे 6, 7, 8, वो भी इतने ज्यादा स्क्रैच नहीं है बट थोड़े बहुत स्क्रैच है वो लेवल 6, 7 और 8 पे ज्यादा देखने को मिले हैं। इसका मतलब है डिस्प्ले वो काफी अच्छी है, प्रोटेक्शन है वो आपको बहुत ही सॉलिड मिलती है। तो हमने स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट है वो सेटअप कर लिया है और अभी स्क्रैच करके देखते हैं। काफी स्क्रैच हैं वो हो चुके हैं और चेक करते हैं फिंगरप्रिंट। वाओ परफेक्ट काम कर रहा है फिंगरप्रिंट। तो डिस्प्ले काफी अच्छी मिलती है, विक्टस 2 ग्लास मिलता है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अब बात करते हैं साइड फ्रेम की, जो आपको प्लास्टिक मिलती है 30,000 के बजट में। प्लास्टिक बहुत ही वही घटिया है यहाँ पे क्योंकि इस प्राइस में आपको बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जो एल्यूमिनियम फ्रेम है वो प्रोवाइड कराते हैं बट यहाँ पे वीवो भी ऐसा है। वीवो की जो वी सीरीज थी उसमें भी आपको प्लास्टिक फ्रेम मिली थी और ओप्पो की ये सीरीज है A27 Pro Plus उसमें भी आपको प्लास्टिक मिलती है। तो ये है भाई प्लास्टिक देख लो, ये प्लास्टिक है यहाँ पे, ये प्लास्टिक। बटन देखते हैं रिमूव होते हैं नहीं, तो यहाँ पे बटन तो रिमूव नहीं हो रहे बट यहाँ पे केवल आपको प्लास्टिक दे जाती है। यहाँ पे भी स्क्रैच है वो इजीली हो सकते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम मिलती है। तो स्पीकर टाइप सी और यहाँ पे ये आपकी
सिम ट्रे। तो यहाँ पे टोटली आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलती है और देख सकते हो आप स्क्रेच हैं वो बहुत जल्दी इस फ्रेम पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप कवर यूज करते हैं तो भी स्क्रेच है वो बहुत जल्दी आएंगे फ्रेम पर। बैक में बात कर लेते हैं तो बैक में आपको मिलता है लेदर फिनिश। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बैक में आपको लेदर फिनिश है वो प्रोवाइड करा रही हैं। 30,000 या 40,000 20,000 हर स्मार्टफोन में आपको अब लेदर फिनिश देखने को मिलने लगा है। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा कैमरा बम मिलता है। ये यहाँ पे आपको कैमरे बहुत सारे दिखेंगे बट ये स्मार्टफोन है ड्यूल कैमरा सेटअप है। 64 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। यहाँ पे फ्लैश है, एक बड़ा सा कैमरा बम्प देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले कैमरा पे स्क्रैच करके चेक करते हैं। ये एक सेंसर हो सकता है आवाज के लिए। तो ये स्क्रैच है वो इस पे लेंस पे तो आ चुके हैं इजीली, ये देख सकते हैं आप अभी आ भी रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा है, स्क्रैच नहीं आ रहे हैं और इसी पे भी स्क्रैच कम आ रहे हैं, बट ज़्यादा स्क्रैच वो हमें इस कैमरा पे देखने को मिले हैं। फ्लैश पे भी इतने स्क्रैच नहीं है। पूरी साइड एल्यूमिनियम लग रहा है, ये शायद प्लास्टिक हो सकती है, ये देख लो। तो यहाँ पे भी इजीली स्क्रैच है वो देखने को मिल रहे हैं। ओप्पो एफ 27 प्रो प्लस में आपको बैक में लेदर फिनिश मिलता है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने ऑफ कर दिया है। तो ये देख लो भैया, यहाँ पे ये हीट से वो जल भी सकता है, तो लेदर फिनिश है वो मुझे इतना खास नहीं लगता है। अगर फोन में ग्लास मिलता है तो वो सबसे बढ़िया रहता है। ये था ओप्पो एफ 27 प्रो प्लस का स्क्रैच टेस्ट। वो स्मार्टफोन ने बेस्ट परफॉर्म किया है फ्रंट की साइड से। बैक में आपको लेदर मिलता है और यहाँ पे बड़ा सा कैमरा बम मिलता है, तो यहाँ पे भी इजीली स्क्रैच है वो आ गए हैं और कैमरा पे भी इजीली स्क्रैच है वो आ गए हैं। ओप्पो एफ 27 प्रो प्लस स्मार्टफोन का बर्निंग टेस्ट करने वाले हैं। इस लाइटर को डिस्प्ले पे 15 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे और चेक करेंगे स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो हीट के अगेंस्ट है कैसे रिएक्ट करती है। टाइमर हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया है और ये 20 सेकंड है यहाँ पे फुल कर रखा है, देख लो आप भी, आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पे हो चुके हैं 20 सेकंड और 20 सेकंड रखने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले पे आ चुका है बर्निंग स्पॉट। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं ये बर्निंग स्पॉट है वो आ चुका है। तो हमने लाइटर को रखा 20 सेकंड और हालांकि ये 15 सेकंड में भी आ चुका था बट हमने 20 सेकंड रखा और यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्टस 2 ग्लास पे ब्लैक है वो बर्निंग स्पॉट आ चुका है। इजीली आप देख सकते हैं लाइटर हमने 20 सेकंड रखा है और 20 सेकंड रखने के बाद ये हाल है डिस्प्ले का, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। हालांकि 20 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं बट बर्निंग स्पॉट है वो आ चुका है और बर्निंग टेस्ट में ओप्पो एफ 27 प्रो प्लस है वो फेल हो चुका है। हीट के अगेंस्ट अगर डिस्प्ले जाती है तो वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ओप्पो एफ 27 प्रो प्लस है वो वाटर रेजिस्टेंस के साथ साथ डस्ट प्रूफ भी आता है। यहाँ पे इसमें आपको IP69 की वाटर रेजिस्टेंस की प्रोटेक्शन मिलती है बट इसमें आपको डस्ट की भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो वो चेक करते हैं कि अगर स्मार्टफोन है वो डस्ट मिट्टी के संपर्क में जाता है तो डिस्प्ले पे स्क्रैच देखने को मिलते हैं या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। प्रॉपर यहाँ पे हम मिट्टी वगैरह डालते हैं फोन पे और प्रॉपर चेकिंग करते हैं स्मार्टफोन की। तो हमने प्रॉपर यहाँ पे मिट्टी डाल के और अभी चेक करते हैं। तो भैया यहाँ पे स्क्रैच है वो काफी देखने को मिल गए हैं, बहुत सारे स्क्रैच है वो डिस्प्ले पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैच हैं वो इजीली आ चुके हैं। तो इतना ज्यादा डस्ट प्रूफ तो मैं स्मार्टफोन को नहीं बोल सकता, नॉर्मली स्मार्टफोन डस्ट प्रूफ जरूर आता है। तो ये हो गया स्मार्टफोन का डस्ट टेस्ट, जहाँ पे स्मार्टफोन ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। ऐसा नहीं बोल सकते कि स्मार्टफोन है वो इस टेस्ट में फेल हो गया है, ऐसे स्क्रैच इजीली किसी भी स्मार्टफोन पे आ सकते हैं बट इस पर थोड़े मुझे प्रोटेक्शन के हिसाब से ज्यादा लगे।
तो ये था स्मार्टफोन का स्क्रैच टेस्ट, और अभी लास्ट इसका टेस्ट होने वाला है बैंड टेस्ट। बैंड प्रॉपर बैंड टेस्ट है वो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे हम नॉर्मल बैंड टेस्ट करने वाले हैं ओप्पो A27 प्रो प्लस का। तो स्टार्ट करते हैं ओप्पो A27 प्रो प्लस का बैंड टेस्ट। तो पहले हम फ्रंट की साइड से बैंड करके देखते हैं कि क्या सच में स्मार्टफोन बैंड होता है या नहीं, क्योंकि इसमें आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलती है और प्लास्टिक फ्रेम है वो बहुत बार टूट भी जाती है। जैसे कि वीवो का ये स्मार्टफोन है जो पिछले टेस्ट में मैंने इसका किया था, तो वहाँ पे स्मार्टफोन पूरा यहाँ पे बैंड हो चुका था, यहाँ से स्मार्टफोन टूट गया था, क्योंकि यहाँ पे स्लिम बनाती है कंपनी और यहाँ प्लास्टिक फ्रेम भी यूज करती है, जिसके कारण स्मार्टफोन टूट गया था। और अब बारी है ओप्पो A27 प्रो प्लस की। तो ये देख लो भैया, ये स्मार्टफोन है वो बैंड टेस्ट में इजीली बैंड हो जाएगा, क्योंकि इसकी अलग से एक वीडियो आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत बैंड हो भी चुका है, तो इजीली स्मार्टफोन बैंड टेस्ट में फेल हो जाएगा, ये मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। अभी हम बैक की साइड से प्रेस करते हैं और चेक करते हैं। बैक की साइड से काफी स्ट्रांग लग रहा है स्मार्टफोन, देख लो बैक की साइड थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, बैक फ्रंट की साइड से ये लगता है कि स्मार्टफोन इजीली नॉइस आप सुन सकते हैं, जैसे ही प्रेस कर रहे हैं अलग सी एक नॉइस आ रही है। तो ये देख लो इतना बैंड तो ये हो चुका है, बट प्रॉपर बैंड टेस्ट है स्मार्टफोन का अलग से करने वाले हैं। तो ये हो गया स्मार्टफोन का एक कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, और जहां पे इस स्मार्टफोन ने ठीक परफॉर्मेंस किया है, स्क्रैच टेस्ट में भी स्मार्टफोन ने ठीक परफॉर्मेंस किया है, बट जैसे बर्निंग टेस्ट किया तो यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट हमें देखने को मिल गया। स्क्रैच टेस्ट में भी स्मार्टफोन ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, और बैंड टेस्ट में स्मार्टफोन है वो डेफिनेटली फेल होने वाला है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में ठीक ठाक ही बोलेंगे, एवरेज परफॉर्मेंस रही है ओप्पो A27 प्रो प्लस की। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।